चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में ये सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 तक के सम्स देखे और कल हम लोग एक्सरसाइज 2.4 में ये प्रॉब्लम क्वेश्चंस देख रहे थे। और 2.4 के प्रॉब्लम क्वेश्चंस में हमने तीन जो है वो सम्स देखे थे। आज उससे आगे हम लोग शुरू करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करें आज। देखो, क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है कि वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 times द अदर डिजिट। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स इन द ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? देखो, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कोई टू डिजिट का नंबर है, टू डिजिट नंबर। कल पता है ऐसा ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसमें भी टू डिजिट का नंबर देखा था। कोई भी टू डिजिट नंबर, जैसे कि ये 36, कल भी ऐसा ही सपोज किया था ना, कि कोई टू डिजिट का नंबर है जिसमें ये यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट होता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 times द अदर डिजिट। क्या दिया हुआ है कि एक नंबर दूसरे का 3 times है। मतलब जैसे यहाँ पर 3 है ना, तो इसका 3 times, उसका 3 times, मतलब उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9। दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। मतलब नंबर जैसे 36 नहीं, कोई नंबर 39। ऐसे होगा कि एक नंबर दूसरा नंबर उसका 3 times होगा। इसका 3 times होता है ना, ये 9। ऐसे, या तो अगर कोई पहला नंबर 2 हो ना, तो दूसरा नंबर उसका 3 times, 3 times मतलब 2 3 6, ऐसे 26 होना चाहिए। अगर पहला नंबर जो है वो 1 है ना, तो दूसरा नंबर उसका 3 times, तो मतलब 3 13 होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है, अब इनमें से कौन सा नंबर, तो वो ढूंढना है हमें। फिर लिखा हुआ है कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, कि अगर हम लोग इंटरचेंज करें, जैसे अगर 13 हो तो उसका उल्टा 31 कर दें, अगर 39 हो तो उसका उल्टा 93 कर दें। ऐसे अगर इंटरचेंज करें एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, फिर ये जो इंटरचेंज करके नंबर मिला ना, उसे ओरिजिनल नंबर में ऐड करें, प्लस करें। फिर अगर इन दोनों नंबर का प्लस करें, या जैसे 39 का उल्टा 93 किया, फिर इन दोनों का प्लस करें अगर, तो वो आंसर 88 आना चाहिए। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, बरोबर, ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसका उल्टा अगर किया जाए ना, तो उन दोनों का प्लस 88 होना चाहिए, बरोबर। तो ये हम लोग कैसे ढूंढेंगे? अब देखो, लिखेंगे कैसे कि सबसे पहले जो है वो यूनिट डिजिट पे सपोज करेंगे कि लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स। पहले यूनिट, या तो भले पहले टेंस भी सपोज करो, ठीक है, कि यूनिट डिजिट एक्स है, तो टेंस डिजिट वो 3x हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है ना कि एक नंबर दूसरे का 3 times है। तो एक अगर एक्स, तो दूसरा उसका 3x होगा। तो उसके बाद ये दोनों जो ढूंढो, तो कल हमने थर्ड सम में भी बताया था कि जब भी ऐसा टू डिजिट वाला क्वेश्चन हो ना, तो ये दो चीजें भी साथ में सपोज कर लिया करो, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना टू डिजिट वाला, तो उसमें यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट सपोज करने के बाद ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर भी सपोज कर लिया करो। तो यहाँ ये ओरिजिनल और न्यू नंबर कैसे सपोज करेंगे? टेंथ डिजिट के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट डिजिट सेम टू सेम लिखते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर यूनिट डिजिट पे एक्स है, तो ओरिजिनल नंबर में एक्स वही लिखेंगे, और टेंथ डिजिट पे 3x है ना, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 मल्टीप्लाई 3x। तो ओरिजिनल नंबर इसमें क्या हो जाएगा कि x प्लस 10 मल्टीप्लाई 3x, ये ओरिजिनल नंबर हो जाएगा उसमें, बरोबर। और जो न्यू नंबर फाइंड करना है ना, वो न्यू नंबर उसका इंटरचेंज करके, मतलब ये जो यूनिट प्लेस पे है ना, वो अब टेंस प्लेस पे हो जाएगा, ये जो टेंस प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे हो जाएगा। मतलब कि अब अगर ये टेंस प्लेस पे हो गया, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 10 से मल्टीप्लाई 10x, और ये टेंस प्लेस पे है तो ये यूनिट पे हो जाएगा 3x, तो ये सेम टू सेम लिखेंगे 3x, तो न्यू नंबर हो जाएगा 10x प्लस 3x। ऐसे सपोज करेंगे ना, ये दो चीजें खास सपोज करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो। अब इसके सॉल्यूशन में ऐसा लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है
कि ये जो ओरिजिनल नंबर और जो इंटरचेंज करके न्यू नंबर मिलेगा, इन दोनों का प्लस 88 होना चाहिए। मीन्स कि न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 88 होना चाहिए। तो हम लोग उसको लिखें न्यू नंबर। न्यू नंबर कौन सा है? 10x प्लस 3x। तो न्यू नंबर पे लिखेंगे 10x प्लस 3x, और ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर कौन सा है? x प्लस 10 मल्टीप्लाई 3x। तो ओरिजिनल नंबर पे x प्लस 10 मल्टीप्लाई 3x, दोनों का प्लस 88 है। अब पहले ब्रैकेट हटा दें तो ये सब तो सेम ही रहेंगे, 10x 3x x, ये 10 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 30x इक्वल टू 88। अब ये सब x का प्लस ना, तो इन सब का प्लस कितना हो जाएगा? जैसे 10 और 30 40, 40 और 3 43, और ये 44, तो हो जाएगा 44x। मतलब इसको जो है वो आगे लिखेंगे हम लोग कि 44x इक्वल टू 88। अब जो x ढूंढना है तो ये 44 कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा, 44 डिवाइड में, मतलब कि x इक्वल टू 88 अपॉन 44। तो 88 को 44 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? 2 मिलेगा ना, कि x इक्वल टू सिर्फ 2, बराबर। अब इस पर से जो हम लोग ओरिजिनल नंबर फाइंड करें ना, तो ओरिजिनल नंबर में ये x की वैल्यू रखें अब 2, कि जैसे ओरिजिनल नंबर सपोज किया था x प्लस 10 मल्टीप्लाई 3x, तो x पे 2 प्लस 10 और 3x की जगह पर लिखेंगे मल्टीप्लाई 2। 3x है तो 3 मल्टीप्लाई 2 ना, तो ये 2 प्लस 10 ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो 10 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा? 60। 2 प्लस 60, तो 2 प्लस 60 आंसर मिल जाएगा 62। ये ओरिजिनल नंबर मिला ना 62। आप देखो कि ये 62 में इसका रेसिप्रोकल करें, मतलब सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, इंटरचेंज करें, उल्टा करें, तो वो हो जाएगा 26, और उन दोनों का प्लस करो ना तो आंसर 88 आएगा। ऐसा ही पूछा हुआ था ना कि कोई नंबर और उसका उल्टा करो तो आंसर 88 आना चाहिए, तो वो नंबर करेक्ट हमें मिला ना, कितना मिला? 62, बरोबर। ये सम हुआ ना। अब ऐसे ही इसके आगे का क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें दिया हुआ है कि शबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शबोज प्रेजेंट एज। शबोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? देखो कि यहां पर है ना, दो लोग हैं, एक शब्बो और एक शब्बो की मदर। ऐसा दिया हुआ है कि शब्बोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शब्बोस प्रेजेंट एज। मतलब शब्बो की अभी की जितनी एज है ना, उसके मदर की एज उससे 6 टाइम ज्यादा है, ठीक है ना? 6 टाइम ज्यादा, मतलब मल्टीप्लाई 6 करो उतना। समझो अगर शब्बो की एज अभी अगर 5 इयर्स हुई, तो उसके मदर की एज उससे 6 टाइम्स ज्यादा, मतलब 6 5 30 इयर्स होगी, ऐसे होगी उसमें, ठीक है ना? तो उसमें सपोज करें अगर कि सपोज शब्बो की एज एक्स है, तो उसके मदर की एज कितनी हो जाएगी? 6x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी उसके मदर की एज? 6x हो जाएगी ना, बरोबर ना, 6 टाइम्स है। फिर आगे ऐसे दिया हुआ है कि शब्बोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, कि चलो शब्बो की एज आज से 5 साल बाद, शब्बो की एज अगर अभी एक्स है तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? उसकी एज हो जाएगी x प्लस 5, ऐसे हो जाएगा ना, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद इतनी। और उसमें दिया हुआ है कि विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, कि वो जो एज होगी ना उसकी 5 साल बाद, विल बी मतलब इक्वल टू उसके मदर की प्रेजेंट एज से 1/3 होगी। तो उसके मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 6x है ना, तो 6x को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, के शब्बो की 5 साल बाद की एज वो उसके मदर की अभी की एज अभी कितनी है? 6x। तो इस 6x को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन बनेगी। फिर से शब्बो की 5 साल बाद की एज वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट एज 6x है, उससे 1/3 होगी, ठीक है? फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखो इनमें जो है वो लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे कि लेट शबोज प्रेजेंट एज बी एक्स,
चलो शब्बो की अभी की एज एक्स है, तो उसके मदर की एज कितनी? 6x, मैंने बताया ना 6 टाइम्स है इसीलिए। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन उसमें दिया हुआ है कि शब्बो की एज में 5 ईयर्स प्लस करो, तो उसमें एक्स प्लस 5 इक्वल टू उसके मदर की एज को 1/3 करो, तो उसकी मदर की एज 6x, उसको मल्टीप्लाई 1/3। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक्स कैसे ढूंढेंगे, कि ये एक्स प्लस 5 तो वही रहेगा, यहाँ पे ये 3 से कट हो जाएगा, 3 से ये 6 कट करेंगे क्या हो जाएगा, 3 2 जा, तो यहाँ पे 1 1 2 जा तो 2 ही ना, बचेगा क्या सिर्फ 2x। तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे 2x बड़ा है ना, तो इस x को यहाँ ले आएंगे माइनस में, तो 5 यहीं पे ही रहेगा, इक्वल टू 2x माइनस x। तो 5 इक्वल टू 2x माइनस x कितना, x मतलब ये मिल ही गया, x इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 5। अब दोनों की एज फाइंड करें ना, प्रेजेंट एज, तो शब्बोस प्रेजेंट एज, शब्बो की अभी की एज को हमने कितना सपोज किया था, x सपोज किया था, तो मतलब x इक्वल टू 5 ईयर्स ऐसा होगा ना, और शब्बो की मदर्स एज उसे हमने 6x सपोज किया था, 6x मतलब कि 6 मल्टीप्लाई 5, एक्स की जगह पे 5 लिखेंगे ना, कि 6 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना ये। अब दोनों की एज मिल गई ना, कि उसकी शब्बो की एज 5 ईयर्स है, तो उसके मदर की एज 30 ईयर्स है, बरोबर। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहौली विलेज, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट आर इन अ रेशियो 11:4, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस अ प्लॉट, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्लॉट। देखो ऐसे दिया हुआ है कि एक माहौली विलेज है, उस माहौली विलेज में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब एक रेक्टेंगुलर जमीन ली है, कि उस जमीन पे स्कूल बनाना है ना, रिजर्व फॉर स्कूल, स्कूल के लिए एक जमीन ली उन्होंने रेक्टेंगुलर, जिसमें उसकी लेंथ और ब्रीथ का रेशियो 11:4 है, मतलब समझो उसकी लेंथ अगर 11 रेशियो की तो वो 4, रेशियो का मतलब क्या होता है पता है, पहले भी बताया था कि इसका मतलब जो लेंथ होगी ना वो 11 की टेबल में आएगी, या 11 होगा या 22 या 33 या 44 इतनी होगी, और जो ब्रेथ होगी ना वो 4 की टेबल में आएगी, मतलब या 4 या 8 या फिर जो है वो 12 या 16 ऐसे होगी। अब ऐसा है कि उस प्लॉट को एक फेंस लगानी है, फेंस द प्लॉट, फेंस मतलब के पूरी प्लॉट पे बाहर बॉर्डर पे वायर लगानी है, ठीक है, ये पूरी बॉर्डर पे वायर लगानी है, और उस वायर लगाने का खर्चा 75,000 आया, पूरी ये इस जमीन के आसपास वायर लगाई उसका खर्चा कितना आया, 75,000, के उसमें 1 मीटर वायर लगाने का खर्चा 100 रुपये था, 1 मीटर का खर्चा 100 रुपये था, तो इसलिए 75,000 का हुआ। तो यहां से हम लोगों को ये पता चल सकता है कि उसमें टोटल कितने मीटर थे, समझो 1 मीटर का खर्चा 100 रुपये, तो टोटल आया 75,000, मतलब कि 75,000 को अगर हम लोग, ये तो पहले रफ में बता रहा हुआ कि 75,000 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर देना तो 0 0 कट हो जाएंगे, इसमें बचेगा 750, मतलब ये स्कूल की पूरी बॉर्डर वो 750 मीटर की है, और ये पूरी बॉर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, पेरीमीटर, मतलब कि हमें ये रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर मिल गया 750 मीटर, कितना मिला उसका पेरीमीटर, 750 मीटर का ये पेरीमीटर मिल गया, ठीक है। अब इनके हिसाब से हमें ये लेंथ और ब्रीथ ढूंढनी है, डाइमेंशंस मतलब कि लेंथ और ब्रीथ हमें फाइंड करनी है, जो 11 और 4 का रेशियो है ना, तो इन दोनों को एक्स एक्स करके सपोज करेंगे, कि समझो लेंथ को 11x सपोज करें तो ब्रीथ को 4x, या तो अगर ब्रीथ को 4x सॉरी लेंथ को 4x सपोज करो तो ब्रीथ को 11x, कोई भी सपोज करो। तो अब देखो इसे लिखेंगे कैसे, लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे कि
कि लेट द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट बी 11x एंड 4x, कि चलो लेंथ और ब्रीथ को क्या सपोज किया, 11 एंड 4x, लेंथ को 11x, ब्रीथ को 4x। अब जैसे लिखा हुआ था ना, द विलेज पंचायत कॉस्ट ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹100। मैंने बताया ना, उस प्लॉट के, उस रेक्टेंगुलर के चारों तरफ ये बॉर्डर लगाते, वायर लगानी थी, तो उसका खर्चा ₹75,000 आया एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, भाई 1 मीटर के ₹100 के हिसाब से। तो इसका मतलब उसका पेरीमीटर कैसे ढूंढेंगे? मैंने फिर पहले ही बताया कि पेरीमीटर मतलब ये चारों बॉर्डर की पूरी लेंथ। तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट हो जाएगा ये 75,000 डिवाइड बाय 100, मतलब के 750 मीटर। तो अब हम लोग इस पेरीमीटर की फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, उसकी फॉर्मूला क्या, पेरीमीटर की फॉर्मूला आती है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, है ना, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, ये पेरीमीटर की फॉर्मूला आती है ना, याद है ना, ये तो पहले के स्टैंडर्ड्स में भी आती ही थी कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, और इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 750। अब ये जो लेंथ और ब्रीथ है ना, एल और बी, तो उस पे उसकी वैल्यू लिख सकते हैं ना कि लेंथ की वैल्यू कितनी है 11x, और ब्रीथ की वैल्यू कितनी है ये 4x। तो इनकी वैल्यू यहाँ लिखें कि 2 मल्टीप्लाई एल पे लिखें ये 11x, और बी पे लिखें ये 4x, ठीक है, इक्वल टू 750। तो ये 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम लोग कि 2 मल्टीप्लाई 15x इक्वल टू 750, तो 15 2 30x इक्वल टू 750, फिर ये 30 डिवाइड में x इक्वल टू 750 डिवाइड बाय 30, तो x इक्वल टू 25, x मिला ना 25। तो अब इसको दोनों की वैल्यू में रखेंगे कि जैसे कि लेंथ ऑफ प्लॉट वो 11x था, लेंथ को 11 सपोज किया, तो 11x मतलब 11 मल्टीप्लाई 25, तो वो हो जाएगा 275 मीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी, 275 मीटर, और अगर ब्रेथ फाइंड करना है तो उसको हम लोग 4x कहते हैं, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 25, तो वो कितना हो जाएगा, 100 मीटर का हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी समझ में। अब उसके बाद का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हसन बाय टू काइंड ऑफ क्लोथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन, वो एक स्कूल यूनिफॉर्म बेचने वाला जो है वो पर्सन है जिसने टू काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल, मतलब दो तरह के कपड़े खरीदे, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 पर मीटर। उसने एक शर्ट मटेरियल, शर्ट का कपड़ा खरीदा जिसमें 1 मीटर के ₹50 लगते हैं, और दूसरा उसने ट्राउजर का कपड़ा खरीदा और ट्राउजर के 1 मीटर के ₹90 लगते हैं। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। एक कैसे पूरी यूनिफॉर्म बनाते हैं, तो पूरी जोड़ी बनाते हैं ना शर्ट और पैंट की, तो हर एक में शर्ट के 3 मीटर यूज होते हैं और ट्राउजर के 2 मीटर यूज होते हैं। ठीक है, हर एक में शर्ट के 3 मीटर और ट्राउजर में 2 मीटर वो यूज करता है। ही सेल मटीरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। देखो, वो जब बेचता है तो ऐसे ही थोड़ी प्रॉफिट चढ़ा के बेचा जाता है ना, तो वो शर्ट पे 12% का प्रॉफिट चढ़ाता है और ट्राउजर पे 10% का प्रॉफिट चढ़ाकर बेच देता है। हिज टोटल सेल इज 36,660। उसने टोटल 36,600 का सामान बेचा, इतने कपड़े बेचे उसने। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा होगा वो हमें ढूंढना है। ठीक है ना, कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा होगा वो हमें फाइंड करना है। अब देखो, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन वाइज ही समझाऊं, उसी में ही बताऊंगा कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो, सॉल्यूशन में समझना कि समझो, उसने जो भी शर्ट और ट्राउजर मटेरियल खरीदा है ना, ध्यान से सुनना बेटा, कि जो उसने शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल खरीदे हैं, तो उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वो हर ड्रेस के लिए शर्ट का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है और ट्राउजर का 2 मीटर। बरोबर, कितना, शर्ट का 3 मीटर, ट्राउजर का 2 मीटर। तो ये जो 3 और 2 दिया हुआ है ना, उसे हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। मतलब देखो, पहले तो ऐसे लिख सकते हैं
कि रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल बॉट टू द ट्राउजर मटेरियल बॉट इक्वल टू 3:2। जितना शर्ट खरीदा है जितना ट्राउजर खरीदा है उसे 3:2 कहेंगे। तो ये जो जब भी रेशियो में होता है तो उसको फिर क्या कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं ना। तो समझो लेट द शर्ट मटेरियल बॉट इक्वल टू 3x, समझो जितना उसने शर्ट का मटेरियल खरीदा होगा ना उसे 3x कहें। एंड ट्राउजर मटेरियल बॉट इक्वल टू 2x, जितना ट्राउजर का सामान खरीदा होगा उसे 2x कहें। तो इनके हिसाब से कॉस्ट कितना होगा, कितना कॉस्ट होगा? तो उसमें था कि भाई शर्ट का मटेरियल 50 रुपये मीटर था, लिखा हुआ था ना आगे कि शर्ट का मटेरियल कितने रुपए का था, 50 रुपये मीटर का, और ट्राउजर का मटेरियल 90 रुपए का, 90 रुपीज का था। तो ये जो अब 3 और 2x है उसको फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे कि अब लिखें कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, ये शर्ट मटेरियल का टोटल खर्चा कितना। तो शर्ट मटेरियल 50 रुपये मीटर का था और कितने मीटर लिया उसने, 3x। कितने मीटर लिया तो वो तो नहीं पता है ना, 3x लिखेंगे ना तो 50 × 3 हो जाएगा 150x, मतलब टोटल शर्ट का खर्चा वो 150x आया। एंड कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, के ट्राउजर मटेरियल जो है वो कितना, तो ट्राउजर मटेरियल 90 रुपीज के हिसाब से था और कितना खरीदा उसे, 2x, मतलब वो हो जाएगा 180x, मतलब टोटल ट्राउजर का खर्चा वो 180x होगा। ठीक है, अब ये दोनों मिल गए उसकी कॉस्ट प्राइस, ये दोनों क्या मिली, कॉस्ट प्राइस। हमें ढूंढना है अब सेलिंग प्राइस, कि सेलिंग प्राइस है ना यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ढूंढना नहीं एक्चुअली दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, कि टोटल उसने सेल की थी 36,600 की। टोटल सेल उसने कितनी की, 36,600 की सेल की है उसने, बरोबर। तो उनके अकॉर्डिंग है ना, उनके अकॉर्डिंग हमें ये प्रॉफिट ढूंढना है और कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। तो देखो लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस की जो है वो फॉर्मूला क्या आती है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सीपी कॉस्ट प्राइस, ये दोनों ढूंढे ना हमने, और प्रॉफिट देखो कैसे ढूंढेंगे, इसको आगे कैसे लिखेंगे। देखो अब आगे जैसे लिखे ना कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू शर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। अब हम लोग सबसे पहले शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस ढूंढे, हमने सेलिंग प्राइस के आगे फॉर्मूला लिखी सीपी प्लस प्रॉफिट। तो अगर ये सेलिंग प्राइस शर्ट मटेरियल का ढूंढना हो तो उसमें सीपी, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 150x सपोज किया था ना, प्लस प्रॉफिट। तो प्लस प्रॉफिट अगर ढूंढना हो ना तो फिर प्रॉफिट की अलग से फॉर्मूला आती है, याद है पहले लिखते थे आप लोग, नहीं तो नोट कर लेना कि प्रॉफिट की फॉर्मूला अलग से आती है, कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है सीपी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पीपी, मतलब के प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो यहाँ पे तो सीपी लिखा हमने, यहाँ जो प्रॉफिट लिखना है ना तो उसके लिए ये सीपी, सीपी फिर से मतलब 150x मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज। तो मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितने प्रॉफिट का परसेंटेज था शर्ट मटेरियल पे, परसेंटेज कितना दिया होता है क्वेश्चन में, 12%। तो इसके लिए वहां पे लिखेंगे कि 12/100, बरोबर। तो यहाँ हो जाएगा 150x, और इनका अगर कैंसलेशन करें ना तो देखो ये 0 0 कट हो जाएगा पहले, फिर ये जो 15 और 10 है ना वो दोनों 5 5 से कट करेंगे, कि ये 5 3 जा, ये 5 2 जा, और 2 से ऊपर कट करेंगे 2 6 जा। तो फाइनली 6 × 3 या 3 × 6 हो जाएगा 18x। तो हो जाएगा 150x प्लस 18x, तो 150 प्लस 18 कितना, 168x। ये किसका मिल जाएगा, शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस मिला, ये शर्ट मटेरियल के लिए। अब हम लोग ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस ढूंढेंगे, तो उसके लिए भी फॉर्मूला तो वही ना, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो ट्राउजर का सीपी हमने कितना देखा था, तो ट्राउजर का सीपी देखा था 180x, आगे लिखा ना वो। और फिर प्रॉफिट ढूंढना हो तो प्रॉफिट के लिए फिर से यही फॉर्मूला, सीपी मल्टीप्लाई पीपी। तो प्रॉफिट के लिए सीपी वो 180x मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज, तो ट्राउजर पे प्रॉफिट कितना था, 10%, तो 10/100, जिसमें जिसमें ये 0 0 कट, ये 10 का भी 0 कट,
तो बचेगा सिर्फ 18x। तो यहाँ पे भी 180x प्लस 18x कितना हो जाएगा, 198x। ये किसका मिल गया, ट्राउजर मटेरियल का मिल गया, 198x। बरोबर, देखो ये दोनों का सेलिंग प्राइस मिला ना। अब एज पर इक्वेशन, इक्वेशन के हिसाब से दोनों मिलाकर टोटल उसने 36,600 का सामान बेचा था, इतना कपड़ा बेचा था दोनों मिलाकर। तो दोनों का प्लस कर सकते हैं ना, ये 168x प्लस 198x इक्वल टू 36,600, ऐसे हो जाएगा। और अब आगे इन दोनों का जो प्लस करें, 168 और 198, तो नेक्स्ट होगा उसमें दोनों का प्लस हो जाएगा 336x इक्वल टू 36,600। अब ये 336 डिवाइड में, तो इसको अगर इससे 336 से डिवाइड करो तो देखो ये पूरा ही कट हो जाएगा, बचेंगे सिर्फ दो जीरो, मीन्स 100। एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 100। ये एक्स की वैल्यू 100 मिली ना, तो उस पर से अब जो है वो नेक्स्ट हम लोग ढूंढे कि फाइनली जो हमें लेंथ ढूंढनी थी ना, कि लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल एंड लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ये जो ढूंढना था। तो देखो शर्ट मटेरियल को हमने सपोज किया था 3x, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग 3 × 100। क्या लिखेंगे, 3 × 100 ना इक्वल टू 300 मीटर। और ट्राउजर मटेरियल के लिए लिखेंगे हम लोग 2x, 2x मतलब के 2 × 100, मतलब वो 200 मीटर। मतलब उसने शॉपकीपर ने कितना, तो शर्ट जो है वो 300 मीटर लिया था और ट्राउजर 200 मीटर लिया था। समझ आई बात, ध्यान आया ना कैसे सॉल्व किया। ये सम ध्यान से करना फिर। तो देखो आज जैसे ये सम्स किए ना, ऐसे ही अब इनके सम्स और इसके आगे की एक्सरसाइज हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।